ईडी की जो रेड पड़ी है गोविंद सिंह डोटासरा जी के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं चलेगी। देखिए, राजस्थान के प्रदेश की जनता ने जो मानस बनाया कि इस बार मिशन 156 पे अचीव करेगी कांग्रेस, राजस्थान की जनता आशीर्वाद देना चाह रही है। और कल ही हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी ने दो बड़ी घोषणाएं की, और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी 5 घोषणाएं बाकी है। ये बौखलाहट है, इनको लग रहा है कि हमारे पैर जमीन पर नहीं टिके हुए। जहां जाए इन्होंने टिकट दिए वहां विरोध हो रहा है। उस विरोध से ध्यान भटकाने के लिए जो हमारी योजनाएं, जो गारंटी की दो योजनाएं दी है महिलाओं के लिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने 22 साल की कांग्रेस की राजनीति, मैंने चुनाव और ईडी का, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पहले बार चुनाव से पहले पीसीसी चीफ, जिनके सरकारी दफ्तर को भी शामिल किया है, और ये ईडी का जो या रेड की है, इससे साफ जाहिर है कि मोदी जी जब डरते हैं तो ईडी को इनकम टैक्स पर आगे करते हैं। अरे, आपको जांच करवानी है तो संजीवनी घोटाले की जो कुख्यात अपराधी है शेखावत साहब, जो आपके केंद्र में मंत्री है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। जब राजस्थान के एसओजी ने आपको पत्र लिखा है कि आप ये इसमें अभियुक्त हैं, तो आप मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करवा रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हकीकत में ये लोकतंत्र खतरे में है, ये इनकी बौखलाहट है, और जनता इनको जवाब देगी। और हमारा जो मिशन 156 है, वापस सरकार में हम 156 से बदले की कार्रवाई है। कांग्रेस का जो राजस्थान में माहौल बना है, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार रिपीट होने जा रही है, उससे घबरा करके माननीय मोदी जी और अमित शाह जो ये कुटिल नीतियाँ चल रहे हैं, जो इनकी जो दो एजेंसियाँ हैं ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रहे हैं राजस्थान में चुनाव के दौरान, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और समय आने पर अगर जरूरत पड़ी तो हम इनका जवाब से देंगे। ये सरकारी एजेंसी है? सरकारी एजेंसी नहीं, इन्होंने व्यक्तिगत एजेंसियाँ बना रखी है। यहाँ पे आप जिस पर चाहो उस पर छापे डाल दो, जिसको चाहो सम्मिलित कर लो। अजीत पवार जी पर 8,000 करोड़ रुपये का घोटाले के आरोप थे जो महाराष्ट्र के अंदर है, आज उनको बीजेपी ने ज्वाइन किया, सरकार गिरवाई और आज उनको नवाज दिया, उनको मंत्री बना दिया और उनके केस और सारी कार्रवाई। इसका क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? यहाँ कांग्रेस दोबारा से और जितने मार्जिन से पिछली बार जीती थी उससे 10 गुना ज़्यादा मार्जिन से जीतने जा रही है। माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। आज की कार्रवाई से ये साबित कर देगी जनता। कांग्रेस सरकार ने आप पे फिर से भरोसा जताया सांगानेर विधानसभा से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा सभी आलाकमान के हमारे नेताओं का, क्योंकि जो लगातार मैंने 5 साल जनता की सेवा की, 24 घंटे कार्यालय खोल के, जनसेवा कार्यालय खोल के जनता की सेवा की, कोरोना जैसी महामारी में भी परिवार की परवाह किए बिना आम जनता की परवाह की, उसी का नतीजा है। हजारों लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, जिसकी वजह से आज मुझे चुनाव में दोबारा से मौका दिया। अशोक का पसंदीदा चेहरा इस बार भजन लाल शर्मा, तो आपको क्या लगता है? देखो, भजन लाल शर्मा जी को कोई जानते नहीं, मेरे को जनता ठोक बींद करके 5 साल जनता ने मुझे पजोका है, और जनता जानती है कि सांगानेर का भला कौन कर सकता है। इसलिए मैं जनता जनार्दन का चुनाव है, मैं जनता का आभारी हूँ कि जनता की दुआओं से मुझे टिकट मिला और जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ चुनाव जीतूंगा। तो पार करेगी और जो आई थी प्रियंका गांधी जी, उसका क्या असर रहा है? प्रियंका गांधी तो मालिक है हमारी, कितने विधानसभा से उनके आने से कितनी विधानसभा, प्रधानमंत्री थे, उनके आने से कितनी विधानसभा सीटों पे प्रभाव पड़ेगा? काफी फर्क पड़ेगा। उनसे तो 33% जो महिला आएगी उस महिला न्याय है, महिला आरक्षण 33% पहले कांग्रेस ने रखा था, और अभी ये तो उनका फायदा उठाने नहीं दिया है। न उस टाइम पे विरोध कर रहे थे लोग कांग्रेस बीजेपी वाले, न कांग्रेस ने रखा था 33% महिलाओं का, 33% मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा राजस्थान के अंदर। धन्यवाद।